और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने लगाए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, शिवराज। टेक होम राशन, पोषण आहार में खेल हो रहा है। हमारी सरकार में हमने तय किया था कि ये कार्य निजी कंपनी के हाथ में नहीं रहेगा। 7 संयंत्र हमने अपने कार्यालय में बनाए, देवास, धार, होशंगाबाद मंडला और तीन जिलों में बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने पोषण आहार का कार्य महिला स्व सहायक समूह को दिया था। एमपी एग्रो किसी भी निजी कंपनी या ठेकेदार को सम्मिलित नहीं करेगी। कमलनाथ की कैबिनेट भी यह फैसला लिया था। कमलनाथ की सरकार ने नया खेल हुआ है। 11 बिंदु को सीएस ने इस फैसले को गायब किया। वो ये बताएं कि मर्जी से ये किया गया। एक क्या सीएस की इतनी मजाल की वो कैबिनेट के फैसले को पलट दे। गैरी सिंह का अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने सरकार के इस फैसले का भी विरोध किया है। गौरी सिंह ने कहा था कि पोषण आहार कारण होना चाहिए। राज्य के सीएस ने गलत तरीके से कैबिनेट के फैसले को बदल दिया। कमलनाथ सरकार में ईमानदार अफसर बड़ी चल रहे हैं। इस फैसले पर मुख्यमंत्री कमलनाथ को खुद जवाब देना चाहिए। मित्रों, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई इस सरकार में जनता के धन की बंदरबांट करने के लिए जो खेल हो रहे हैं उसमें से एक को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जानते हैं मित्रों, टेक होम राशन जिस पर ये निर्भर करता है कि कुपोषित बच्चों को वो मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले और हम कुपोषण दूर कर पाए। जब मेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हमने फैसला किया था, उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन हमने ये तय किया था कि ये कार्य अब कोई निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं रहेगा। पोषण आहार बनाने का इस कार्य को मध्य प्रदेश राज्य आजीविका फोरम के अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूह के परिसंघों के माध्यम से करवाया जाएगा। ये मेरी सरकार का फैसला है और इसको क्रियान्वित करने के लिए हमने पूर्ण ऑटोमेटिक 7 संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया। 7 संयंत्रों का काम का निर्माण मेरे कार्यकाल में प्रारंभ हो गया था, वो 7 संयंत्र पूरे भी हो गए। पर हमारी कोशिश थी कि महिला स्व सहायता समूहों के परिसंघ ही अब ये टेक होम राशन रेडी टू ईट इसको बनाए। ये पूरा मेरी सरकार का फैसला है, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपके लिए उपलब्ध है। हमने जो 7 संयंत्रों का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था, देवास, धार, होशंगाबाद मंडला, सागर, शिवपुरी और रीवा, ये 7 संयंत्रों में से 5 का कार्य तो पहले ही प्रारंभ हो गया, 2 भी बाद में पूरे हो गए। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी आपको अवगत कराना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का केवल एक पैरा आपके सामने पढ़ रहा हूं। द कॉन्ट्रैक्टर्स शैल नॉट बी यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन इन आंगनवाड़ी एंड प्रेफरेबली ICDS funds shall be spent by making use of village, communities, self-help groups and mahila mandals for buying of grains and preparation of meals. ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये फैसला दिया था 7/10/2004 को।
इसी के आधार पर फिर हमने भी ये फैसला किया था कि हम महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको बनाएंगे। इसी के आधार पर वित्त विभाग का अभिमत भी यही था कि मंत्रिपरिषद द्वारा जो मैंने संयंत्रों की बात की उसका प्रबंधकीय कार्य मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रबंधकीय कार्य हेतु जो डिटेल थे कि जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप और राज्य आजीविका मिशन को कितना मिलेगा, स्व सहायता समूहों को कितना मिलेगा, लाभ की राशि में से 10% स्व सहायता समूहों को और शेष राशि राज्य आजीविका मिशन को केंद्र प्रवर्तित योजना में राजांश के उपयोग के लिए प्रदान की जा सकती है। ये बाकी सभी विभागों का अभिमत है, उसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपके सामने मैं रख दूंगा, आप देख सकते हैं। मैं केवल इसके आधार पर जो निर्णय का प्रारूप है उस निर्णय के प्रारूप को आपके सामने 11वें बिंदु को रख रहा हूँ। ये निर्णय एवं प्रारूप, निर्णय के बिंदु क्रमांक 11 में ये कहा गया कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एमपी एग्रो किसी भी निजी संस्था, ठेकेदार या आउटसोर्स एजेंसी को टेक होम राशन उत्पादन संचालन के कार्य में सम्मिलित नहीं करेगा। मैं बाकी नहीं पढ़ रहा, ये बिंदु 11वां है जिसमें कहा गया है कि एमपी एग्रो किसी भी प्राइवेट कंपनी, ठेकेदार, निजी लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं करेगा। अब ये मेरी सरकार का उस समय का निर्णय था। मैं इस सरकार को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि कैबिनेट में यही फैसला हुआ, सेम कैबिनेट ने यही फैसला किया कि निजी संस्थाओं को, कंपनियों को, ठेकेदारों को टेक होम राशन के काम में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। उसको मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, वो भी सामने सरकार का फैसला, ये 26/11/19 का है। मैं वही बताना चाहता हूँ। और इसमें सारी चीज़ें कि इतने संयंत्र बन रहे हैं, बन गए हैं, और इसमें केवल 11वां इनने भी सारे विभागों का अभिमत इनने लिखा, वित्त विभाग का, बाकी विभागों का अभिमत लिख के उच्च न्यायालय का जो पारित आदेश है वो भी इन्होंने लगाया कैबिनेट के फैसले में। और उसके बाद 11वें क्रमांक पे इनने भी लिखा, ये इस कैबिनेट का, कमलनाथ जी की कैबिनेट का फैसला है, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एमपी एग्रो किसी भी रूप में निजी संस्था, ठेकेदार या आउटसोर्स एजेंसी को टेक होम राशन उत्पादन संचालन के कार्य में सम्मिलित नहीं करेगा। यहाँ तक सब ठीक है,